नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत में लोन देने वाली ऐप्स की भरमार है। इनमें से ज्यादातर ऐप्स फर्जी हैं, जो ठगी करने के बाद गायब हो जाती हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भारत में हजारों मोबाइल ऐप ऐसे एक्टिव हो गए थे, जो महज कुछ मिनटों में लोगों को मनचाहा लोन दे रहे थे। बाद में खुलासा हुआ कि ये ऐप चाइनीज हैं या फर्जी। ये लोन देने के बाद वसूली करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इन ऐप्स वालों ने कई लोगों को इस कदर ब्लैकमेल किया कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। इन ऐप्स के बैन होने के बाद भारत में कुछ और ऐप्स आ गए, जिनमें से एक ऐप का नाम पावर बैंक है। इस पावर बैंक ऐप ने महज 4 महीने में 250 करोड़ रुपए उड़ाए हैं। उत्तराखंड की पुलिस ने इस ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़ किया है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि पावर बैंक ऐप गिरोह ने देश के करीब सभी राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया है। पावर बैंक इंडिया नाम से यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अभी मौजूद है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले यह ऐप इसी साल फरवरी में प्ले स्टोर पर आया। इसका आखिरी अपडेट 4 जून को रिलीज किया गया है। पावर बैंक ऐप को प्ले स्टोर पर बिजनेस कैटेगरी में पब्लिश किया गया है। अभी तक इससे 50 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। इस ऐप को पब्लिश करने वाली कंपनी का नाम इंडियन पावर बताया गया है और डेवलपर की ईमेल आईडी techguru7006@gmail.com है। प्ले स्टोर पर बताया गया है कि इसे बेंगलुरु की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने तैयार किया है। अभी फिलहाल इस ऐप को इंस्टॉल करने का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। पावर बैंक ऐप से लोगों को पैसे दुगुने करने का काम होता था, हालांकि वास्तव में लोगों को पैसे दुगुने नहीं बल्कि गायब हो रहे थे। पुलिस के मुताबिक पावर बैंक ऐप के जरिए 15 दिनों में पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता था। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि रोहित कुमार निवासी श्यामपुर और राहुल कुमार गोयल निवासी कनखल हरिद्वार ने साइबर थाने को एक शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार दोनों ने गूगल प्ले स्टोर से पावर बैंक नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। निवेश संबंधी इस एप्लीकेशन में 15 दिनों में पैसा दुगुना करने का दावा था। इस लालच में आकर दोनों क्रमशः 91,000 और 73,000 रुपये गवा दिए। पुलिस के मुताबिक इस ऐप के जरिए लोगों से 15 दिन में पैसे डबल करने का झांसा देकर पैसे लिए जाते थे और उसके बाद इन पैसों को कुछ शेल कंपनियों में जमा कर दिया जाता था। ये पैसे डिजिटल पेमेंट के जरिए ट्रांसफ़र होते थे। इसके बाद शेल कंपनियों के अकाउंट से पैसे को क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था और फिर उसे दूसरे देश में जमा किया जाता था। ये सब किसी अथॉरिटी से बचने के लिए होता था, ताकि उस तक पहुंच सके। शुरुआती बातें जो सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने लालच में आकर इस ऐप के जरिए पैसे कमा लिए। कई लोगों ने इस बात की भी शिकायत की है कि पैसे जमा करने के बाद ऐप ने काम करना बंद कर दिया था और प्ले स्टोर से भी कुछ समय के लिए गायब हो गया था। अब यहाँ आपको यह समझना होगा कि किसी भी अनजान ऐप, खासकर ऐसे ऐप जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमाणित नहीं किया है, ऐसे ऐप्स में पैसे जमा करने की गलती ना करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।